हाय, मैं सुबोध अग्रवाल। पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ और भारत विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल यानी प्रधान अध्यापक। जैसे धर्मगुरु आपको धर्म का ज्ञान देते हैं, वैसे ही हम अपना ज्ञान आपको देते हैं। अध्यापक यानी जो सिखाता है या निर्देश देता है। आपके माँ बाप भी आपके अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अतः आपको अपना जीवन जीना सिखाया। पर मेरे नसीब में मेरे माँ बाप से सीखना नहीं लिखा था, क्योंकि मैं मेरे गुरुजी को एक कचरे के डिब्बे से मिला था। मेरे गुरुजी श्री वीरदास अग्रवाल, उन्होंने ही मुझे उनका उपनाम दिया। वैसे मेरे गुरुजी ने मेरे लिए और मैंने अपने लिए बहुत संघर्ष किया है। चलो मैं आपको शुरू से सारी कहानी बताता हूँ, सुनाता हूँ मेरी आत्मकथा। आज से 30 साल पहले की बात है, जब गुरुजी बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे, तब सरकारी अस्पताल के पास वाले कूड़े में से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे वो उसके नज़दीक आते गए, आवाज़ और भी बढ़ती गई और साफ साफ सुनाई देने लगी। उन्होंने कचरे की पेटी में अंदर झांक के देखा तो एक बच्चा रो रहा था। वो बच्चा मैं था। गुरुजी ने कानून के दायरे में रहकर मुझे अपना लिया और उनका उपनाम दिया, और उन्होंने मेरा नाम रखा सुबोध। सुबोध यानी बुद्धिमान। वो मुझे उनकी तरह अध्यापक बनाना चाहते थे, ताकि मैंने जो सीखा है वो मैं आप सब में बांट सकूं। गुरुजी मुझे अपने घर लेके तो आ गए, पर मुझे पालना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गुरुजी के परिवार में गुरुजी के अलावा कोई नहीं था। गुरुजी की पत्नी उनकी शादी के ठीक 3 साल बाद गुजर गई थी और उनके बच्चे भी नहीं थे। गुरुजी की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, शायद यही वजह थी उनकी मौत की। बच्चा ना होने की चिंता में उनको दिमाग की बीमारी हो गई और वही सोचते सोचते वो एक दिन सुबह उठी ही नहीं। मेरे गुरुजी ने बहुत हिम्मत रखी थी, अगर वो उस वक्त हिम्मत नहीं रखते तो आज वो भी शायद। खैर, ये सब बात छोड़ो, मैं आपको आगे की बात सुनाता हूँ। वैसे गुरुजी के बहुत बच्चे थे, मेरा मतलब विद्यालय के सारे विद्यार्थी उनके बच्चे जैसे ही तो थे। गुरुजी विद्यालय में हमेशा गणित और विज्ञान के विषय पढ़ाते थे। उनसे एक बार पढ़ के फिर किसी को बाहर ट्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे आज भी याद है जब मैं उनसे गणित और विज्ञान पढ़ता था, वो एकदम आसान भाषा में सिखाते थे। विद्यालय के सारे बच्चे उनको बहुत अच्छा गुरु मानते थे। गुरुजी के लिए सभी बच्चों को गर्व था। जब दूसरे विद्यालय के बच्चे ट्यूशन लेने के बावजूद भी अच्छे गुण नहीं ला पाते थे, वहां गुरुजी से पढ़े सभी छात्र बिना ट्यूशन के अच्छे गुण से पास होते थे। गुरुजी हमेशा अच्छी शिक्षा विद्यालय में ही देना सही समझते थे, पर विद्यालय के कुछ अध्यापक उनसे जलते थे। ज्यादा पैसा कमाने की लालच में विद्यालय में अच्छा ज्ञान ना देकर विद्यालय के बाद ट्यूशन देने में मानते थे। वो लोग हमेशा गुरुजी को कहा करते थे, अरे गुरुजी, आप विद्यालय में ही सब कुछ पढ़ा देंगे क्या? कुछ विद्यालय के बाद ट्यूशन के लिए भी तो बचा के रखा कीजिए, जिससे आपकी आमदनी बढ़े और आपको बुढ़ापे में ही दिक्कत ना हो। लेकिन गुरुजी कहते थे, मेरा बेटा सुबोध है ना, मुझे भला क्या चिंता, वो बड़ा होगा तो मुझे संभाल लेगा। तब वो लोग जवाबी हमला करते और उनको कोसा करते कि अरे वो तो गैर खून है, कभी भी पलट सकता है, क्या पता बड़ा होके आपको छोड़ दे। गुरुजी हमेशा इन लोगों के ताने सुनते रहते और मन ही मन कहते, मुझे मेरे बेटे सुबोध पे पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। दरअसल वो गुरुजी को
मुझे लेकर उकसाना चाहते थे ताकि गुरुजी ट्यूशन शुरू कर ले और उनको देख यह लोग भी ट्यूशन शुरू कर सके। उन्हें मालूम था अगर ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर लिया तो गुरुजी हमारा विरोध कर सकते हैं और शायद हमें विद्यालय से निकाल भी दे। इसी डर की वजह से वो सिर्फ ताने मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो लोग अंदर ही अंदर गुरुजी से जलते थे। गुरुजी एक सेवाभावी व्यक्तित्व थे। वो मुझे हमेशा सिखाते थे कि बेटा कभी भी शिक्षा को व्यवसाय से मत जोड़ना, शिक्षा तो माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान है। तुम बड़े होकर विद्यालय में पढ़ाओ या फिर ट्यूशन में, पर कोई भी एक जगह ही पढ़ाना। ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाना गुनाह नहीं, अगर तुम किसी विद्यालय में ना पढ़ाते हो तो। मैं हमेशा मन ही मन सोचता था कि बड़े होकर गुरुजी जैसा बनना है, ऐसा सच्चा और ईमानदार अध्यापक जो सिर्फ अपना फायदा ना देखते हुए सबको एक जैसा माने। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं भी बड़ा होता गया। मेरे बड़े होने के साथ साथ कंप्यूटर और मोबाइल फोन का जमाना आ गया। अब पढ़ाई के लिए नई नई तकनीकें आने लगी। कई विद्यार्थी विद्यालय में भी मोबाइल फोन लेके आने लगे और उनका ध्यान पढ़ाई में ना होकर फोन में ही रहने लगा। गुरुजी ये सब देख हैरान थे। विद्यालय में मोबाइल फोन लाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। कुछ अध्यापक तो यही चाहते थे कि छात्रों का ध्यान विद्यालय की पढ़ाई में ना रहे ताकि वो उन्हें ट्यूशन पढ़ा सके और ज्यादा पैसा कमा सके। उन्होंने गुरुजी की लगाई रोक का विरोध किया और यह कारण दिया कि अगर बच्चे मोबाइल लेके नहीं आए और उन्हें कुछ हो गया तो वो किसी को कैसे बताएंगे। अगर उनके पास मोबाइल होता तो वो किसी को कॉल करके मदद मांग सकेंगे। उसके बाद गुरुजी ने कहा, पहले तो मोबाइल फोन नहीं थे तभी तो छात्र सुरक्षित थे, अब उनकी सुरक्षा को क्या हो गया भला। दूसरे लालची अध्यापक विरोध करते रहते पर गुरुजी नहीं माने। वो लोग हमेशा गुरुजी को नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में थे। वो लोग अपनी नजर गड़ाए बैठे थे कि कब मौका मिले और गुरुजी को यह विद्यालय से निकाला जाए और फिर वो लोग ट्यूशन पढ़ा सके। गुरुजी बहुत दयालु थे। कभी कभार कोई छात्र फीस नहीं भर पाता तो वो उनकी जेब से भर दिया करते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी गांव के अंत में आई एक बस्ती से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां देखा कि एक बच्चा फटे कपड़े पहन के पैर में बिना चप्पल पहने चाय की टपरी पे चाय बेच रहा था। गुरुजी वहां गए और बच्चे से पूछा, बेटा क्या तुम पढ़ाई करते हो, अभी कौन सी कक्षा में हो। वो बच्चा बोला, मैं पढ़ाई नहीं करता, यहां टपरी पे चाय बेचता हूं। उतने में वह छोटे लड़के के पापा वहां आ गए और बोले, बोले साहब फुल चाय दूं या आधी। गुरुजी ने कहा, मुझे चाय नहीं पीनी, पहले ये बताओ कि आप अपने बेटे को पढ़ाई क्यों नहीं करवा रहे हो। वो चाय वाले ने बोला, साहब चाय बेच के मुश्किल से गुजारा हो पाता है, मेरी पत्नी बीमार रहती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो बेटे को टपरी पे काम करना पड़ता है। गुरुजी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर तुम्हारे बच्चे को मैं पढ़ाऊं तो सुबह वो चाय की टपरी पे तुम्हारी मदद कर देगा और शाम को समय निकाल के मेरे पास पढ़ने आ जाया करेगा, और तो और मैं उसे विद्यालय की परीक्षा में भी बिठा दूंगा। उसके बाद वह चाय वाले ने कहा, पर साहब मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। गुरुजी ने कहा, पैसे कौन मांग रहा है, मैं कहां तुमसे पैसे मांग रहा हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। चाय वाला खुश हो गया और गुरुजी को बढ़िया चाय पिलाई। दूसरे दिन वो बच्चा जब गुरुजी के वहां पढ़ने आया तब गुरुजी ने कहा, बेटे तुम्हारी बस्ती में और कितने बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते। वो बच्चे ने कहा, बहुत सारे हैं गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने उन सब बच्चों को पढ़ाने की मुहिम छेड़ दी।
गुरुजी रविवार के दिन वह बस्ती में गए और सभी गरीब बच्चों की सूची तैयार की और उन्हें रोज शाम को पढ़ाने उनके घर आने के लिए कहा। दूसरे दिन से सारे बच्चे पढ़ने आने लगे। मैं बड़ा हो गया था, कॉलेज जाने लगा था, तो कॉलेज से आने के बाद मैं भी गुरुजी के साथ बच्चों को पढ़ाने में लग गया था। पर कहते हैं ना कि भलाई का जमाना नहीं रहा, वैसा ही कुछ हुआ आगे। एक दिन की बात है, विद्यालय में सभी अध्यापकों की मीटिंग हुई। वह मीटिंग में गुरुजी पे आरोप लगाया गया कि वो विद्यालय के बाद घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रमुख अध्यापक ने पूछा, क्या ये सही है? गुरुजी ने कहा, हाँ ये सही है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। गुरुजी के इतना बोलते ही दूसरे अध्यापक ने रोक के कहा, देखा देखा, मैं नहीं कह रहा था, अच्छा हुआ सच बोल दिया, वरना सबूत भी है हमारे पास। उसके बाद गुरुजी ने कहा, हाँ आपकी बात सही है, मगर मैं इन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ। फिर बाकी सब अध्यापकों ने कहा, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, पैसों का नशा उन पे सवार है, अगर आप कहो तो मैं अभी साबित कर सकता हूँ। इतना बोल के एक अध्यापक बाहर चला गया और गुरुजी सोच में पड़ गए कि अब ये क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वह अध्यापक दो तीन लोगों के साथ प्रमुख अध्यापक के दफ्तर में पहुंचा और बोला, साहब ये उन बच्चों के पिता है जो अपने बेटे बेटी को गुरुजी के वहां ट्यूशन भेजते हैं, अगर झूठ बोल रहा हूं तो पूछो गुरुजी से। उसके बाद गुरुजी ने कहा, हाँ ये बात सच है कि उनके बच्चे मेरे घर ट्यूशन आते हैं, पर मैं एक भी पैसा नहीं लेता। इतने में एक अध्यापक बोले, वो तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अरे बताओ कितना पैसा देते हो गुरुजी को? तो वहां तीन लोगों ने कहा, हाँ ये बात सही है, गुरुजी हमसे पैसा लेते हैं और पैसा ना दे तो बदले में सामान ले जाते हैं। ये सब सुन के गुरुजी की आंखें दरी की दरी रह गई। उसके बाद गुरुजी को विद्यालय से निकाल दिया गया। गुरुजी जब शाम को घर लौटे तो बहुत दुखी थे। उन्होंने मुझे सब बात बताई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी भलाई का जमाना ही नहीं रहा, आप जितना भी अच्छा कर लो लेकिन लोग सुधरने वाले नहीं हैं। फिर गुरुजी ने कहा, नहीं सुबोध ऐसा नहीं है, इनमें बच्चों की गलती नहीं है। इसके बाद पता चला कि कुछ अध्यापकों ने पैसे देकर उन बच्चों के बाप से यह बुलवाया था। गुरुजी को बहुत दुख हुआ था, वो सोने चले गए, पर दूसरे दिन सुबह वो नहीं उठे। पता चला कि गुरुजी को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने कुछ ही पल में दम तोड़ दिया था। गुरुजी मेरे लिए सर्वस्व थे, अब उनके जाने के बाद मैं अकेला हो गया था। मैं जो भी कुछ था वो गुरुजी की वजह से था, आज वो ही नहीं थे मेरे साथ। लेकिन मुझे अब गुरुजी का सपना पूरा करना था। वो चाहते थे कि एक ऐसा विद्यालय बने जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। मैंने गुरुजी का सपना अपना सपना बना लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा विद्यालय बना के ही रहूँगा। मैंने गुरुजी द्वारा शुरू करे गए ट्यूशन को जारी रखा। मैंने उन लोगों को भी पकड़ा जो प्रमुख अध्यापक के सामने झूठ बोले थे। मैं वो लोगों को मुख्य अध्यापक के पास ले गया और सारा सच उगलवाया। जो अध्यापक यह साजिश में शामिल थे उन्होंने माफी मांगी और उनको विद्यालय से निकाला गया। वो लोगों को तो विद्यालय से तो निकाल दिया गया, पर इससे मेरे गुरुजी तो वापस नहीं आने वाले थे। लेकिन अब बारी थी उनका सपना पूरा करने की। मैंने कॉलेज करते करते गरीब बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। गरीब बच्चों का अच्छा परिणाम आया तो दूसरे बच्चे भी आने लगे। धीरे धीरे मेरा ट्यूशन बड़ा होता गया। मैंने खूब पैसे भी कमाए, पर गरीब छात्रों से मैंने कभी पैसे नहीं लिए। शहर में मेरा अच्छा खासा नाम होने लगा था। अब बारी थी गुरुजी का सपना पूरा करने की। शायद
यह सही समय था। मैंने एक नया विद्यालय शुरू किया, एक बहुत बड़ा विद्यालय जिसमें कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट भी है जिसमें बहुत पैसों का दान भी आता है, जिससे हम गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने गुरुजी का पुतला नहीं लगाया क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों की खबर लोगों में फैले। वो हमेशा गुप्त दान में ही मानते थे। मुझे भी गुरुजी ने बहुत सिखाया। आज मैं आपके सामने एक प्रमुख अध्यापक के तौर पर खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। मुझे पहले गुरुजी को देख हमेशा ऐसा लगता था कि गुरुजी कुछ ज्यादा ही दयालु है, पर एक बार तो गुरुजी ने मुझे कह भी डाला कि सुबोध, अगर तुझे मैं वहां निकालकर दया ना दिखाता तो आज तू शायद ही जिंदा होता। फिर मुझे समझ में आ जाता कि हाँ, गुरुजी सही है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मेरा कितना भी बड़ा नाम हो, मैं कितना भी बड़ा प्रमुख अध्यापक क्यों ना हूं, पर मैं लालची होता तो यह सब ना होता। यह सब मेरे अच्छे कर्मों की वजह से है, गुरुजी के द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से है। मैं भले ही प्रमुख अध्यापक हूं, पर मैं भी गुरुजी की तरह गणित विज्ञान पढ़ाता हूं। अरे चलो मैं चलता हूं, मुझे कक्षा 9 में जाना है, गणित पढ़ाने का समय हो गया। आपको मैं फिर मिलूंगा।